हेलो फ्रेंड्स, मैं आज परसेंटेज के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप परसेंटेज को एक सेकंड के अंदर आप लगा सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि प्रतिशत कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, सीजीएल में अक्सर पूछे जाते हैं कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, जिसे हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला लगा हुआ उसको कट पिट करते हैं। कट पिट करने के बाद तब आंसर देते हैं, यानी एक मिनट उसमें मेरा ख़त्म हो जाता है। एक मिनट, डेढ़ मिनट, इस तरह कुछ टाइम ख़त्म हो जाते हैं। इसी को देखते हुए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ हूँ। जैसे कि एक बटा एक, यानी 100%। 100% कैसे है, देखिए, 1/1 × 100 इज इक्वल टू, तो 1/1 × 100 यानी 100 × 1। जब 100 करेंगे तो ये 100% होगा। इसी तरह इसका भी निकलेगा 1/2 × 100 इज इक्वल टू, 100 से 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 25 = 10, 0 हो गया 50%। इसी तरह तीसरे का भी करेंगे 1/3 × 100 तो 33 × 1/3%। इसी तरह चौथा का 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, इसी तरह आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। यही एक ट्रिक है जिससे आप कमी या वृद्धि से आसानी से आप शॉर्ट ट्रिक से तुरंत आप आंसर को बता सकते हैं। अगर कमी पूछा है तो नीचे की तरफ देखेंगे। जैसे देखिए, कमी पूछा है यानी 12 से कम, 20% से कम, 30% से कम, 25% से कम पूछा है, तो हम नीचे की तरफ आएंगे। देखिए अब दशा में एरो से, और अधिकतम पूछा है 20% से अधिक, 10% से अधिक, 14% से अधिक, 50% से अधिक पूछा है, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए एरो हम दर्शाए हुए हैं। जैसे कि हम कुछ प्रश्न देखते हैं, देखिए जैसे कि हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न देखिए पहला का, ये एसएससी में परीक्षा में 2010 में पूछा गया है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इसमें देखिए खास एकदम साफ साफ दिख रहा है, अधिक पूछ रहा है। यहाँ आप साफ साफ देखिए, ये अधिक पूछ रहा है ये, तो हम 25% कम हो, साफ साफ दिया है 25%, यानी हम यहाँ देखेंगे कितना परसेंट है, 25% कम है। हाँ, यहाँ कितने परसेंट अधिक पूछा है, यानी हमको अधिक बताना है, 25% से अधिक बताना है। जैसे पूछा है उसमें 25% से अधिक, यानी 25% से अधिक, यानी देखिए एरो देखिए ऊपर की तरफ गया है, तो 25% से अधिक पूछा है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो क्या है, 33 1/3% देखते हैं। देखिए 33 1/3 ये राइट आंसर है। चाहे तो आप इसे हल कर आप देख सकते हैं, 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगा, 33 1/3% अधिक होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो, ये देखिए देखिए साफ साफ दिखा है 50% कम हो, ये देखिए फिर बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक हो, या अधिक देखिए यानी अधिक पूछा है, तो 50% का अधिक क्या होगा, 100%। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 50% से अधिक, यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, अधिक पूछा है तो यानी ऊपर की तरफ जाएगा।
तो ये देखिए 50% से अधिक क्या है 100%, तो वो आंसर यानी ये आंसर 100% होगा, ये राइट आंसर है सी। आप इसे सॉल्व करके पूछे, ये SSC 2010 में पूछा गया है क्वेश्चंस। ये तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। जोसेफ की आय में 10% कमी, यानी हम देखते हैं बस ये देखते हैं 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी वृद्धि इसमें से आपसे पूछा है, वृद्धि 10% की कमी इसमें पूछा है, वृद्धि करनी होगी। SSC में 2010 में पूछा गया है, तो ये वृद्धि पूछा है, 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना परसेंट होगा, चलिए देख इसमें देखिए 10% कहाँ है, ये रहा 10%, यानी 10% की वृद्धि हुई है, यानी जब 10% की वृद्धि हुई तो हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे, तो कितना वृद्धि हुई है, 11 1/3% वृद्धि हुई है। तब देखिए कमी है वृद्धि है, तो ये आंसर इसका ये होगा, वृद्धि पूछा है तो हम देखते हैं वृद्धि कितनी हुई है, 11% 1/9% वृद्धि हुई है। इसी तरह चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, 10% कर और वृद्धि इसमें भी वही पूछा है, एकदम सेम क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया है, इसमें वृद्धि पूछा है, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, ये आप ये देखिए कम और वृद्धि, तो मेन क्या पूछ रहा है, ये वृद्धि पूछा है 10% का अधिक वृद्धि, देखिए 10% का अधिक वृद्धि 11 1/9, यही यही इसका आंसर है 11 1/9। अगर यही चीज़ इसमें कमी पूछता तो ये होता 9 1/11, बाकी वृद्धि पूछा है तो 11 1/9 होगा। पांचवा क्वेश्चन है, पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे। देखिए क्या बच्चे क्या स्टूडेंट होते हैं इसमें फंस जाते हैं, जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे, यानी इस पर फंस जाते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये कमी 10% कमी मूल्य में 10% की कमी, और ये पूछा खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, यानी वृद्धि पूछा है, 10% कितना वृद्धि करें कि मेरा आंसर आ जाए, तो हमें ये ना देखना है कि क्यों खर्च ना घटे, ये सब ना देखें, कमी देखें वृद्धि देखें, वृद्धि करनी पड़े। देखिए ये रेलवे में पूछा गया 2006 में, हाँ तो इसका आंसर वृद्धि पूछा है तो ये होगा, आप देख सकते हैं चार्ट में, देखिए वृद्धि पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चंस वृद्धि में ही पूछते हैं, हाँ तो इसमें 10% की वृद्धि होती है तो 11 1/9% वृद्धि हुई। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, हमें कमेंट करके आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े, SSC 2010 में ये पूछा गया है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट पर लिखकर भेजें। हाँ और मैं देखूँगा, और अगर और ट्रिक है तो हमें कमेंट लिखकर भेजें, और सब्सक्राइब करना न भूलें, मैं इसी तरह कुछ ट्रिक आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा जिससे आपको आसानी मिल सके किसी भी कॉम्पिटिटिव
हफ्ते में। थैंक यू।